उनेल के दो व्यापारियों ने नागदा थाना क्षेत्र के किसानों से करीब 10 लाख रुपए के 450 क्विंटल गेहूं की ठगी की है। इसकी शिकायत किसानों ने नागदा थाने में दर्ज कराई है। किसानों का कहना है कि उन्हेल निवासी आयुष पुरवाल और विशाल पालीवाल नाम के दो व्यापारियों ने उनके गांव में आकर लाखों रुपए का गेहूं खरीदा और बदले में कुछ किसानों को ब्लैंक चेक दे दिया। वहीं इससे किसानों ने उन दोनों पर भरोसा कर लिया और फसल बेच दी, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो किसान फरार हो गए। वहीं थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 10 किसानों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल किसानों के आवेदन पर आयुष पुरवाल और विशाल पालीवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना नागदा क्षेत्र के कई किसान हमारे पास आए थे शिकायत करने, तो उन्हेल के व्यापारी है एक आयुष पुरवाल और उसके साथी विशाल पालीवाल, इन दोनों ने मिलकर गाँव गाँव जाके और गेहूँ खरीदे हैं और उसके बाद में एक रसीद टाइप की दी है और खाली चेक दिए है और कहा 3-4 दिन बाद पैसे दे देंगे। किसानों ने इंतजार किया कि पैसे अब आएंगे, जब उसके यहाँ गए जाके पता चला कि वो घर से फरार हो गया है। तब किसान जो करीब 10 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए, इसमें करीब 10 लाख के आसपास का जो व्यापारी था पैसे देके भाग गया है, मतलब उसने गेहूँ खरीदे और गेहूँ बेच दिए, पैसे किसानों तक नहीं पहुँचा है, वो फरार हो गया। तो इसमें इन दोनों के ऊपर 420, 406, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया और इनकी तलाश में पुलिस रवाना हो गई है। संभवतः शीघ्र इनको गिरफ्तार करेंगे।